वह जिस तरीके से कंगना रनौत अपने फिल्म धाकर की प्रमोशंस कर रही थी, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि धाकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था रिलीज से पहले कि सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। लेकिन आखिरकार किस तरीके से धाकर को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, इवन कि उन्हें शोज तक नहीं मिल रहे हैं, आखिरकार क्या है इसके पीछे की पूरी खबर हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारी के विचार पर। वेल, कंगना रनौत का धाकर ऐसे मुंह पर गिरा है कि धाकर के लिए ऐसे ऐसे शोज भी कैंसिल कर दिए जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक एक रुपए के लिए ये पूरा का पूरा फिल्म तरस रहा है। आपको बता दूँ कि 100 करोड़ रुपए में बनने वाली बजट वाली फिल्म जो है अब तक 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कंगना रनौत को ये उम्मीद हो रही है कि OTT प्लेटफॉर्म पर ये फिल्म चल जाए। लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी फिल्म को OTT राइट्स देने के लिए कहीं ना कहीं फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही OTT को सेल करना पड़ता है, जो कि कंगना रनौत ने नहीं किया, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं फिल्म अगर सुपर डुपर हिट हो गई तो OTT प्लेटफॉर्म्स के तरफ से कहीं ना कहीं बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। लेकिन ऐसा हुआ इस फिल्म के साथ कि सिनेमा में तो नहीं चली और साथ ही साथ अब OTT प्लेटफॉर्म पर भी इस मूवी का रिलीज़ हो पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वेल, आपको बता दूं कि धाकर से कंगना रनौत को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कंगना रनौत ने धाकर फिल्म की जिस तरीके के प्रमोशंस किया था उससे कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल नहीं लग रहा था कि धाकर मूवी जो है वो सुपर स्टार यानी कि सुपर डुपर हिट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही फिल्म रिलीज़ हो चुकी है वैसे ही फिल्म को बहुत ही गंदे रिव्यूज़ और बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा है। आखिरकार इन सभी पर कब तक कंगना रनौत चुप्पी थामेंगी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। जो कंगना रनौत हर एक एक टॉपिक पर बोलती हैं वो अपनी फिल्म धाकर के सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत फाइनली इस फिल्म के बारे में क्या कुछ बयां करेंगी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।